नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में और मैं हूं जितेंद्र झा। भारत सरकार और तालिबान के बीच पहली औपचारिक बातचीत संपन्न हुई। भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के शीर्ष नेता सिर मोहम्मद अब्बास के बीच कतर के दोहा में यह वार्ता संपन्न हुई। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षा तथा अफगानिस्तान की जमीन का भारत विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं किए जाने के लेकर चिंता को तालिबान को वाकिफ कराया। हाल ही में डेल स्टेन ने संन्यास ले लिया, जो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और ये टीम में बॉलर की भूमिका से खेलते थे। उन्होंने 93 टेस्ट मैच में 439 विकेट, वनडे में 125 वनडे में 196 विकेट, T20 में 47, T20 में 64 विकेट लिए हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा ऐसी घोषणा की थी। मार्च 2024 से 102 वंदे भारत ट्रेनों की पुष्टि की गई। इसको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा शुरू किया गया था। इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। मेक इन इंडिया के तहत इसको वरीयता दी गई। वंदे भारत एक्सप्रेस को 15 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी मार्ग पर चली, जो कि 17 फरवरी 2019 को इसने अपना पहला वाणिज्यिक शुरू किया था। हाल ही में बंगाली लेखक बुद्धदेव गुहा का कोविड से निधन हो गया। प्रधानमंत्री इस पर शोक व्यक्त किया था। ये बांग्लादेश में जन्मे थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मधुकरी यानी हनी गैदरर इनकी प्रमुख रचना थी। कल तालिबान ने हजारा समुदाय के 14 लोगों की हत्या की है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि हजारा समुदाय किस देश से संबंधित है। हाल ही में पैरालंपिक हाई जंप में मरियप्पन ने सिल्वर, शरद ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही सी राज अंधाना ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही भारत के 10 मेडल पूरे हो गए हैं, जिसमें अवनी लेखरा, सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल, देवेंद्र योगेश, भाविना निषाद और मरियप्पन ने सिल्वर मेडल, शरद सुंदर और सिंहराज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2 गोल्ड मेडल राइफल और हाई जंप में आए हैं। अवनी ने राइफल में जीता है, जबकि राजस्थान की पहली पहचान बनी अवनी। उन्होंने पैरालंपिक में हाल ही में गोल्ड जीता था। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत उन्हें को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पंचशीर पर तालिबान ने हमला किया है, ऐसे कुछ सूत्र बताते हैं, क्योंकि पंचशीर के कुछ समर्थक तालिबान के चले गए हैं। धन्यवाद।